बस पगार रहता, हम नहीं काम करते ना तो हमारा घर भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन हम भी काम करते, हाथ बटाते, अपनी कुछ बनाते हैं, टाइम निकाल कर, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सपोर्ट ही नहीं करना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन तमाम ब्लॉग्स ब्लॉग्स में। में आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त मस्त होंगे। होंगे। तो अभी हम काम पर से आ चुके, मतलब सुबह सुबह काम पे गए थे 9 बजे, तो 1 घंटा की ओवर टाइम क्योंकि काम अर्जेंट था। तो उससे वहाँ से आने के बाद फिर से ब्लॉग स्टार्ट किया। और राधा जी देखिए सुबह से थकवाई हुई है और हम नाश्ता नहीं किए क्योंकि भूख नहीं था, तो उसके लिए भी गुस्सा हो रही है। भूख हाँ दोस्तों, बना दिए हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, रोटी खा ली तो ही नहीं है खा रहे दोस्तों, हैं। क्या करें। और अभी फिर से काम पे जाएंगे, टाइम हो गया 10:10। और आप सभी को बता दें कि एक दुखद बात है हमारे लिए और आप सभी को बताना हम लोग सबसे जरूरी है क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली है, इसलिए हम सोचे बता दें। और ये मत सोचे कि हम लोग वीडियो में शुरू में बोलते कि दुख की बात है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन सोचते जो सब है वो पहले ही बता दें ताकि आप वीडियो देखने में थोड़ा सा रुचि रखें कि मतलब क्या है क्या नहीं है। जैसे लास्ट में थोड़ा सा बोल दें कि हम लोग को दुख की बात है और उसका क्लिप आगे लगा दे, तो ऐसा नहीं। और क्या दुख की बात है वो आप सभी को बताएंगे क्योंकि हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। तो गांव जाने की प्लानिंग है, तो गांव के दो चार लोग फोन करते हैं हमारे पास, तो बोलते हैं कुछ हल्ला वाला हुआ कि नहीं, या फिर गांव में झगड़ा होता है मम्मी पापा से, किसी के घर से कुछ को लेके, जमीन को लेके हमारे पड़दार है, तो लोग गालियां देते हैं हम लोग को कि देख तुम्हारे लड़के भग गया, ऐसा वैसा नचनिया बन गए हैं जाके, है ना, ये वीडियो इसीलिए घर बनाते। वाले भी थोड़ा हाँ बुलाने के लिए हम लोग को सोचते हैं कि बोलते नहीं तुम लोग बुलाएंगे वीडियो नहीं बनाना बंद बुलाएंगे। कर दो तो बुलाएंगे। तो अब तो दोस्तों सोचिए कि स्टार्ट किए तो बंद क्यों कर दें, क्योंकि गांव के लोग को उतना समझ नहीं होता है कि मतलब यूट्यूब से सच में इतना इनकम होता है, या फिर वो लोग सोचते हैं कि मतलब ये लोग जाके ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, मतलब ये हीरो हीरोइन बन गए हैं। तो यही सब बातें हैं, इसी के कारण दोस्तों गाँव वाले बोलते हैं और गाँव जाने की इच्छा भी नहीं करती, सोचते कुछ हम हला लोग बला हो गाली जाए। देते हैं पता नहीं क्यों, हम लोग मतलब जिसके घर से भागे हैं वो नहीं बोलते हैं, और दूसरे कोई है जो अगल बगल के ना वो लोग कहते हैं, वो लगता है उनके घर का कोई बेटी बहन लेकर भागा है, सब लोग कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग गाली देते हैं। तो आप लोग यार प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी गांव जाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब हम लोगों अगर ने कोई स्टार्ट सब किया। मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग किसी का जवाब भी दे सकते हैं ना, अगर वीडियो भी नहीं चलता है और सब लोग गाली भी देते हैं, ऊपर से बहुत कुछ बोलते हैं, तो बुरा लगता है अपने आप से ही, तो क्या हम लोग जवाब दें। और अगर अच्छा खासा व्यू जाता है, ज्यादा लोग अगर देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है किसी का जवाब भी देने में। तो आगे का क्या घटना हुई है गांव में, क्या क्या बोलते हैं सब लोग, वो राधा जी आप सभी को बताएंगे क्योंकि हम चल रहे हैं काम पे आए, तो थोड़ा सा सोचे ब्लॉग शूट कर ले। तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आज का ब्लॉग पूरा देखिए और अपनी राय दीजिए कि हम लोग सही है कि क्या गाँव वाले सही है, क्या हमें यूट्यूब छोड़ के घर चले जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, वो सब आप लोग कमेंट करके बताइए। घर पे जाने के बाद भी क्या करेंगे, जब पैसा नहीं रहेगा तो घर कहाँ से चलेगा, वैसे हम लोग तो एक बच्चा है, अभी पता है ये बीमार हो जाए और कोई कोई नहीं देखेगा घर का भी खर्चा, चाहे जो कोई नहीं देखेगा, अपने पास रहेगा तो सब कोई देखेगा। तो दोस्तों अरे पापा चले गए काम पे और हमको भी जो काम करना था थोड़ा सा उसको हम कर लिए, और अभी सब काम बाकी, मतलब थोड़ा सा किया है और सब नहीं किए, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों का बात सुन के, मतलब जब नहीं सुनू ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई कहता है ना ऐसा वैसा तो बहुत तकलीफ होता है। और क्या क्या करते हैं आप लोग को बताते हैं, क्या इतना भी बुरा कोई नहीं होता है, अगर अपनी लाइफ में खुश है ना तो सबको खुश रहना चाहिए, चलिए खुश है जहाँ पर है अच्छे से है ना, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो अभी हम काम कर लिए और आर्य के पापा चले गए काम पे, और आर्य भी गए कंपनी में अपने पापा के साथ, तो अभी हम मोबाइल को एक जगह लगा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि हाथ में लेकर मोबाइल बनाने पर हाथ दुखने लगता है, तो भी हम एक जगह मोबाइल को सेट कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हमने मोबाइल को एक जगह सेट कर दिया और आप लोग को मतलब अपनी परेशानी हम बता रहे हैं, तो आप लोग गलत मत समझिएगा दोस्तों, ये सब बात सही है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग गाँव जाने वाले हैं और भैया की शादी पड़ी है, लेकिन घर वाले बुलाते हैं फिर भी कहते हैं, फिर संकोच करते हैं, मतलब कि ऐसा वैसा लोग कह रहे हैं, जब झगड़ा होता है ना तो घर वाले उल्टा हम लोग को मतलब बोलते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो कुछ नहीं बोलते, और झगड़ा होता है तो गांव घर के लोग घर वालों को ताना मारते हैं, तुम्हारी लड़की ने ऐसा किया, तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया वैसा किया, तो बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, लोग पता नहीं, और बोलते हैं सब लोग अरे नाच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नचनिया बन गए, हीरोइन बन गए, ये बन गए, वो बन गए, बोलते हैं सब लोग अरे वो लोग कपड़ा उतार कर नाचे तो ज्यादा, मतलब बोल रहे हैं सब लोग कि मतलब बोलते हैं ऐसा कि कपड़ा उतार कर ना चाहो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कमाएंगे, फेमस हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों कोई ये सब करने के लिए नहीं बनाता है, सबके अंदर मतलब कुछ रहता है, उसी के लिए वो इंसान कुछ करता है,
कि ताकि अपनी लाइफ जो है सुधर सके अपने आने वाली लाइफ में। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप लोग कहो भी ना कुछ। हाँ आप लोग तो ये गलत कह रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कौन होता है कहने वाले? आप लोग कौन होते गांव घर के लोग? कोई लोग कहने वाले? किसी से आज तक हमने 1 रुपया मांगा नहीं है कि कोई हमको 1 रुपया दे करके आज तक किसी ने सपोर्ट किया है। जो भी किए हम और हमारे पति देव अपने दम पर किए हैं। हम लोग किसी से 1 रुपया दुख बीमार पर तक कभी किसी से मांगे नहीं है। जो भी होता है अपने दम पे करते हैं, इसीलिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। 2-2 बजे रात तक कौन काम करता है? सुबह 7 बजे उठकर 1-2 घंटे 3 घंटे सोने को मिलता है। हम लोग अपने दम पे करते हैं, लेकिन तू कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हम लोग मतलब सोचते हैं छोड़ दे, फिर सोचते हैं कि कब तक ऐसा काम करके मतलब हम लोग की लाइफ मतलब बीतेगी। कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम सोचते हैं मतलब कि वीडियो बनाएंगे, कुछ अच्छा होगा, लाइफ सुधर जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग किसी को जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप लोग भी समझते नहीं हो, हमारी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता है। आप लोग सिर्फ आते कमेंट कर दे तो देख लेते हो, और जो अभी उसी पर गंदा थंबनेल लगा रहे, गंदा वीडियो रहे थोड़ा, तो उसको आप लोग 2-2 लाख मिलियन मिलियन में चला देते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी दिल की परेशानी बताता है ना, उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग अपने दिल की अपनी बात सच्चाई के साथ आपके सामने रखते हैं, जो भी रहता है हकीकत में दिखाते हैं, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। घर वाले भी भले बात करते हैं, मेरे घर वाले तो कोई नहीं बात करते हैं, लेकिन तो जो है मतलब ऐसे रिश्तेदार में कोई होता है बात करते हैं तो वो लोग हमेशा सुनाते हैं कि कुछ हुआ वीडियो बनाते हैं ऐसा, तो क्यों तुम लोग वीडियो बनाते हैं ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी को जवाब दे सके, कुछ कह सके जो हमें गलत कहते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम जवाब किसी का दे पाएंगे, वरना हम लोग का सर खुद नीचे रहेगा, हम लोग क्या जवाब देंगे? और हम लोग यूट्यूब पर बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर आए थे दोस्तों, हमको 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, इस चैनल पे काम करते हुए, इस चैनल पे। और जो मेरा आर्या टाइगर वाला चैनल है उस पे हम तो 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कुछ हुआ। हम लोग को 4 साल 14 साल लगा घर से आए हुए, और हम लोग यूट्यूब पर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से दिन रात काम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं टाइम निकल कर, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सपोर्ट ही नहीं करना चाहता है, पता नहीं ऐसा क्यों। और हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग गाली भी खाते हैं, लोग गाली देते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, वो गाली देते हैं ऐसा वैसा, लेकिन हम लोग सुनते नहीं। हम लोग सोचते हैं कि कहने वालों को कहने तो हो सकता है किसी दिन हमारी भी लाइफ सुधरे और हम लोग जवाब दे सके। और होते हैं बड़े बड़े लोग, अगर किसी से सपोर्ट मांगो ये करो तो कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहता है। तो आप लोग कम से कम सपोर्ट करिए ताकि किसी का कोई जवाब दे सके। और घर जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि मैं अपने लड़के का मुंडन कराऊंगी और मेरे घर वाले कोई नहीं आएंगे। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है कि उससे अच्छा मेरे पर छिलवा दे, यहाँ पे रहते तो कोई बात नहीं, घर पे करेंगे, हमारा तो कोई नहीं आएगा। हमको इस चीज का तकलीफ है, क्या कोई इतना बुरा भी नहीं कर दिया? हम अपनी लाइफ में खुश है, 4 साल हो गया, धीरे धीरे मतलब 3रा साल बीत गया, 4था लगा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ 1 रुपया मांगा नहीं है, अपनी तकलीफ किसी को शेयर नहीं की है। लेकिन फिर भी नहीं समझते कि खुश है, चलो थोड़ा 2-4 बातें कर ले, मन भी हल्का हो जाता है। जो भी हो दोस्तों अपने अपने होते हैं, लेकिन तू मेरे पति कभी कमी नहीं महसूस होने देते हैं, हर एक चीज मेरी ख्वाहिश पूरी कर, हर एक चीज ला कर देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा याद आता है, कुछ पड़ता है तो याद आता है। अभी यार बाबू का मुंडन करवाएंगे, इनके रिश्तेदार सब आएंगे, इनकी मामी मामू मामू मतलब लड़के उड़ते, लेकिन मेरा कोई नहीं आएगा, तो वहाँ पे हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। फिर कम से कम मेरी भी साथ साथ बहने कोई भी आती तो अच्छा लगता है, समझ में आता, मम्मी पापा है साथ साथ बहने हैं, कोई भी आएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं आएगा, यही सब तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है।
अगर हमारे पास कुछ पैसा रहता, हमारी लाइफ अच्छी होती ना तो सबको याद है, लेकिन हम लोग की लाइफ थोड़ी अभी सही नहीं है, हम लोग लाइफ में भी कुछ किया नहीं है, तो इसीलिए सबको अभी हम लोग से नफरत कर दे, लेकिन अभी कुछ रहता ना तो सब कोई कूदता। लेकिन प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, गांव वाले गाली देते हैं ऐसा वैसा, इतना खराब खराब बोलते हैं, मतलब जो कोई बात करता है गांव का बोलते हैं ऐसे ऐसे गाली देते हैं, झगड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग हमें सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हम लोग भी कुछ कर सके अपनी लाइफ में। हमको पूरे 1 साल हो गए इस चैनल पे काम करते हुए, लेकिन अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल से हम लोग मेहनत इस चैनल पे कर रहे हैं, और उसको अरे टाइगर वाले लेकर हमारा 3 साल से हम लोग यूट्यूब पर आए हुए हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग प्लीज हम सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग आप लोग सोचते हैं हम लोग दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं, दोनों मिलकर पति पत्नी मिलकर, तब हम लोग का खर्चा चलता, हम लोग अच्छे से रहते हैं थोड़ा। अगर पति देव का बस पगार रहता, हम नहीं काम करते ना तो हमारा घर भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन हम भी काम करते हैं, हाथ बटाते हैं अपनी, मतलब सोचते हैं कि कुछ होगा किसी से मांगना ना पड़े। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा हम लोग का मदद करिए, सपोर्ट करिए, बस आप लोगों से इतना कहेंगे। आप लोग भी जैसे आप लोग भी हमारी फैमिली है, तो आप लोग भी हमें थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट करिए, अच्छे से देखिए, हमारे वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए बस। और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट बस आप लोगों से मांग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मदद मांग रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों बस। दोस्तों ये सब बातें थी, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सारी बातें वो हम आप लोग को कल की वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए बस। जय हिंद, वंदे मातरम।